वेलकम बैक जी। सर मैं आपकी एक स्टेटमेंट देख रही थी, आपने कहा था कि आप एक क्रिकेटर बनना चाहते थे, तो क्रिकेटर बनने से एक्टिंग में आने का डिसीजन फिर कैसे आपने लिया? जब हम छोटे होते हैं तो बहुत से ख्वाब देखते हैं, बिल्कुल, तो उन ख्वाबों में से ख्वाब यकीनन ये था कि मैंने कहा यार मैं क्रिकेट के मैदान में जाऊँ। मेरी वालदा की ख्वाहिश थी कि मैं ना हीरो बनूँ। अच्छा, ये बड़ी रेयर तो होता है। मैंने उनको एक बार कहा भी, अम्मी क्यों, वो भी तो हीरो होते हैं, वो मैं मुझे क्रिकेट खेलना है। मेरी माँ के अल्फाज हैं, इंशाल्लाह तुम ना हीरो बनोगे। तो मैं 2-3 बार पीटीवी के बाहर खड़ा रहा, उसके बाद तो खैर बाकी सेंसर कर देता हूँ, कई दफ़ा खड़ा रहा किसी ने घास नहीं डाली, लेकिन एक दफ़ा फिर अल्लाह का करम हुआ, मैं अंदर चला गया, सिलेक्शन हुआ, मोहम्मद बिन कासिम बना। तो जब मैं मोहम्मद बिन कासिम बना तो मेरे आंखों में आंसू थे, मेरे हाथ में स्क्रिप्ट थे, तो वो सारे स्क्रिप्ट मेरे हाथ में थे, तो मुझे मेरी माँ की बात याद आ रही थी कि ये तो मेरी माँ ने मुझे दुआ दी थी, तो मैं तारीखी हीरो बन गया। मगर वैसे do you still play cricket? अब तो वैसे इतना नहीं है, लेकिन मैं, मेरे नेबर होते थे आकिब जावेद, वकार यूनस, हम लोग ये थर्ड फ्लोर पे थे, मैं ग्राउंड फ्लोर पे था। ओके, तो एक बार बस ग्राउंड में गया मैं, तो मैंने कहा देखे यार ये क्या होती है ये चीज़, बस एक बॉल यहाँ से गुजरी है। अच्छा। बैट रखा मैंने, हेलमेट उतारा, मैंने कहा नहीं भाई ये बड़ा मुश्किल काम है भाई, हर बंदा कह देता है, तो वो जो काम करते हैं हर बंदे को अल्लाह ने उसके हिसाब से उसको इज्जत दी होती है। लेकिन भाई जान, आप अगर कोई डायरेक्टर आपको कहे कि आपने हीरो का रोल करना, तो कौन सी हीरोइन होगी जो आप कहेंगे कि इसको रखो? नहीं, हमने तो उस वक्त भी नहीं कहा था, लोगों ने कह दिया, मैं कहता था हीरो वाला, तो खैर मैं नहीं मानता कि हीरो होगा, मैं समझता हूँ कैरेक्टर होते हैं, कैरेक्टर अगर कोई मिलेगा तो जरूर करेंगे। हीरोइन के हवाले से तो इस वक्त तो सभी अच्छी काम कर रही हैं, तो जो मुनासिब लगेगा उस रोल के लिए तो वो काम करे। आपको ज्यादा पर्सनली मजा किसके साथ काम करके आता है? अभी तो नए बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यार। मगर आपका पर्सनली रेपो आपको लगता है किसके साथ सबसे ज्यादा सेट हुई? देखिए मुख्तलिफ, मैं जैसे मुख्तलिफ बच्चियों का बाप बन रहा हूँ, इस तरह मुख्तलिफ खवातीन बीवियाँ बन रही हैं जी, तो किसी एक में तो नहीं इतनी ज्यादा है कि किसी एक के साथ टिक के ज्यादा काम नहीं हो रहा। तो जितनियों के साथ काम कर रहा हूँ, जितनी फीमेल्स हैं, दे आर ऑल गुड माशाल्लाह। और सभी आप अगर हीरोइन बनेंगी तो आपका हीरो कौन सा होगा? फवाद खान बिजी हो तो कोई और बता दें सेकंड ऑप्शन। फिर जैसे इन्होंने कहा कि जो करेक्टर पे, नहीं नहीं वो छोड़ दे, उन्होंने तो अपने जोन में कहा ना, वो कर चुके हैं अपने जमाने में सबके साथ काम। हाँ, इसलिए आप तो भी यंग है, आप विशलिस्ट बताएं अपनी। शहरयार मुनव्वर, ठीक है, शहरयार मुनव्वर या फवाद खान हो, और कोई तीसरे की मार्जिन है या यही? फिर तो जो फिर उसके बाद सारे एक ही बस जैसे। नहीं, I wouldn't say that, मगर प्रेफरेबल आपने कहा कि आपकी विश लिस्ट है फवाद खान या शहरयार मुनव्वर, तो क्या फिल्म करना चाहेंगे उनसे या ड्रामा? व्हाटएवर, मतलब अभी पहले काम करूं उसके बाद फिर। नहीं मगर आप बताइए ना आपकी ख्वाहिश क्या है? फिल्म में तो गाने वगैरह भी होते हैं, गाने वगैरह भी गाएंगी या फिर सिर्फ टेलीविजन में तो ड्रामा होता है? आई थिंक सो, आई कैन डू बोथ, तो प्रोबेबली फिल्म। अगर फिल्म करना चाहेंगी, फवाद खान हो, और अगर दोनों उसके अंदर फवाद खान भी हो और शहरयार मुनव्वर भी हो, अच्छी बात है ना? नहीं नहीं, मगर ये ठीक रहेगी ऐसी फिल्म कोई हो जिसमें दोनों, पहले ही एक ही फिल्म में हम दोनों को भुगता देते हैं। और क्या फिल्म एक्शन हो या रोमांटिक हो, क्या हो? कॉमेडी हो, थ्रिल हो, बहुत एक्शन भी ना हो, बहुत रोमांटिक भी ना हो, मजे की, अच्छा एक उसका जॉनर हो कि मतलब इंटरटेनिंग हो, लोगों को मजा आए, टिल द एंड हो, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, वो वाला अब क्या हो रहा है। हाँ, मतलब थ्रिल होता है ना मूवी के अंदर, व्हेन यू वॉच अ मूवी तो आपके अंदर होता है कि यार अच्छा ये तो पता चल गया, अब तो ये हो जाएगा, अब तो वो हो जाएगा, तो फिल्म मुक जाए फिर भी पता ना लगे कि की थी यार। देयर शुड बी अ थ्रिल मूवी, मतलब थ्रिलर होनी चाहिए। अच्छा ये तो फिल्मी हीरो है ना आपके, और जिंदगी का एक मेन हीरो भी होता है ना, वो कैसा होना चाहिए? अब मेरी तरफ देख के ना हंसे लड़कियां, तेरे प्यार से देखी मेरी तरफ। अच्छा ठीक है, नहीं देखती आप। अच्छा कैसा है हीरो जिंदगी का आइडियल जो होता है, जेड़ा सारी जिंदगी हिट ही नहीं होता? सोचा नहीं है, वो तो आपको विद टाइम नजर आता है कि यार कौन सा बंदा आपके विद लाइफ, विद योर लाइफ सूटेबल है। अभी 2 मिनट है, आप सोच लें। हो गए दो। अच्छा बंदा होना चाहिए, काइंड, ऑनेस्ट, सबसे पहले तो ये बात है, काइंड और ऑनेस्ट, रहम दिल और सच्चा। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। और एक और होता है ना इंसान का कि आप देखते ही होते, बस मेरी अम्मा कहे कि यार अच्छा बंदा है, दैट्स द पॉइंट। कमाता कितना हो? हमारे पेरेंट्स को भी करना चाहिए। सर्वाइवल, ठीक है, हमारे लोग समझते नहीं है इन चीजों को, बाद में फिर वो कहते हैं कि लड़ाइयाँ हो गई, ये हो गया, वो हो गया,
दीज आर द थिंग्स जो मतलब बेसिक होती हैं. आप मतलब अगर पहले पानी पी रहे हैं, फॉर इंस्टेंस यू आर हैविंग एनीथिंग, ठीक है, जो आप बाद में आपकी रूटीन बनी हुई है, ठीक है, बाद में अगर आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही तो फॉर अ वाइल आप उस चीज़ को प्रटेंड करेंगे, यू विल बी लाइक अच्छा ठीक है ठीक है, बट इन दी एंड लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी. तो वो चीज़ें ना पहले ही सब वो पहले ही हो जानी चाहिए. तो यानी कि आप भी बड़ी क्लियर है इस बारे में कि कमाता कितना हो, शुड बी अ क्वेश्चन दैट शुड बी आस्क्ड. मैं ही पूछूंगी, मेरी अम्मा पूछ ले शायद. जाहिरी बात है आपने सारे इस तरह के कामों के लिए बेचारी अम्मी को फंसाया हुआ है कि वो करेंगी. और ये बड़ी प्रायोरिटीज चेंज नहीं होगी बिल्कुल जनरेशन के साथ. मैं समझता हूँ ये जो हमारे बच्चे हैं ये बच्चे नहीं है, ये काफी समझदार हैं. और ये नहीं है कि इनसे बुरे फैसले भी हो रहे हैं, हमने इनको मोटिवेट भी करना है, इनसे अच्छे फैसले भी हो रहे हैं. लेकिन एक बात हमें जरूर जहन में रखनी चाहिए, आई एम अ फादर ऑफ टू डॉटर्स और एक मेरा एक बेटा है माशाल्लाह. तो मैं भी समझता हूँ कि बच्चों की मर्ज़ी भी पूछनी चाहिए और फाइनल डिसीजन जो है वालदैन का होना चाहिए, क्योंकि वालदैन की वो नज़र होती है, वो उनको पता होता है कि हमारी बेटी या बेटे के लिए आगे चलकर क्या बेहतर है. तो उन्होंने अपनी वालदा का जिक्र कई बार कर दिया इसमें. उनको मैंने बताया भी कि मुझे ये चीजें पसंद है. आपने अपनी अम्मी से एक व्हाट्सएप मैसेज लिखवा के इनको सेंड कर देना ताकि ये मुझका. एक चीज और मैंने नोट्स की, आप माशाल्लाह सोशल मीडिया पे बड़े जबरदस्त एक्टिव हैं. अच्छा ये मैं आज मैं आपके शो पे ये चीज क्लियर कर दूं कि मैं इंस्टा को यूज नहीं करता, मेरे बच्चे उठाते हैं. या मैं कभी अगर यूज भी करूं तो मैं अब्बा जी को डालता हूं ज्यादा. मैंने देखा आपने एक दो बार तो उनकी वॉक भी बीच में खराब थी. वॉक भी हां वो बड़ा धुन में वॉक कर रहे हैं आप कैमरा लेके पीछे पहुंच गए. था ना कि ये मैं हूँ ये वो है, तो मैंने कहा जी ये मैं हूँ ये मेरा बेटा है, तो मेरे अब्बा जी ने भी आके एक्टिंग करती और ये मेरा बेटा है. तो इस तरह की चीजें हैं, पर नॉर्मली मैं अपने आप को बहुत कम बहुत कम. और स्पेशल इवेंट्स पे अपने फादर के साथ बहुत अच्छे मैसेजेस भी देते हैं. भैया जी ऐसा ही है, जैसे इंडिपेंडेंस डे पे मैंने अब्बा जी ने मिलके गा दिया गाना. अच्छा तो वो ऐसे ही बस शुगर लगता रहता है. तो बस मेरे ख्याल से मेरा जो बेस्ट दोस्त है वो मेरा बाप है. वेरी गुड. मैं अब्बा जी के साथ बहुत ही फ्रैंक हूँ, वो बात भी कर जाता हूँ जो नॉर्मली वालदैन के साथ नहीं करते, मैं वो भी करता हूँ, डिस्कस करता हूँ उनसे. मेरी जो आवाज है वो डिटो कॉपी है मेरे वालिद की. अच्छा अगर थोड़ी देर के लिए आंख बंद कर जाए मेरे वालिद साहब बोले तो आपको लगेगा बाबर अली बोल. मैं अब अकली आवाज जो मैं देखता हूँ मेरे बेटे की है वो सेम मेरी आवाज है. फिल्में डबिंग वही कर दे. आप भी अपने बच्चों के साथ उसी तरह से फ्रेंडली? नहीं वैसे नहीं हूँ मैं फ्रेंडली बहुत ज्यादा हूँ. अब्बा जी फ्रेंडली नहीं थे. अच्छा। अब्बा जी होना आके कोई 70 साल तो बाद जुड़े हुए ना उससे पहले बड़ी कुटा खा दिया ने बहुत. अच्छा। ज्यादा बहुत मारे खाई है मैंने. ये भी वैसे अब एक बड़ा वो है कि उस जमाने में तो मारे पड़ जाए. तो वो बड़ा एक मैंने तो बहुत मारे खाई. अच्छा आपने भी खाई? बहुत. शरारते करके भी और बिल्कुल वो नहीं होता साइड पे छुप जाना, तो फिर वो मेरी मामा को पता होता था अल्टीमेटली किसने किया है. तो मैंने तो बहुत मार खाई. अच्छा आपने भी खाई हुई है? बड़ी बात है, बड़ी स्टार भी तो है ना. मैंने ऐसे ही छुपाए वो रखा. क्या ठाकुर साहब इस गलो मार नहीं पतले होंगे उदो भी घर वाले फूक मारते ही कंध चवाज जाते. बड़ा एक न्यू एज बड़ा एक डिबेट होता है कि यू नो अबाउट के बच्चों को नहीं करना और अब ये इश्यूज हैं और फलां उसका ट्रॉमा होगा मेंटल इश्यूज होंगे. इसकी वजह वैसे मैं वो क्लियर कर दूं बात, इसकी वजह ये है कि अभी जो बच्चे हैं ना वो अब छोटे बच्चे को ही पता है, हमें नहीं पता होता है कि इसकी बहुत सी फंक्शन का हमें नहीं पता. तो ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, खतरनाक भी उतनी हद तक है और एडवांस भी इतनी है कि इन बच्चों को हम चाहे भी तो नहीं रोक सकते. हाँ मॉनिटर जरूर करना चाहिए इनको. बहुत चीज़ें हमारे दौर में ये चीज़ें नहीं थी, बराबर थोड़ा सा इनके मुताबिक चलें तो मेरे ख्याल से और बेहतर होगा, बजाय कि बहुत ज़्यादा सख्ती करें लेकिन एक हद में रह के. एक और चीज़ जो कि आपके बारे में बड़ी मैं नोट करता हूँ कि आपको हम नहीं देखते ज़्यादातर बहुत से फ्रेटर्निटी के अंदर बाकी लोग दोस्त हैं. बाबा आपके अपने फिल्म के ज़माने के भी जो दोस्त हैं वो भी टेलीविजन के भी दे हैंग अराउंड. देखिए ऐसा नहीं है, नहीं मैं बस इसको क्लियर कर दूं. बहुत ज़्यादा मुझे ना मेरे पेज पे भी और मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें लोग मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे लोग पूछते भी हैं. ऐसा नहीं है कि वो मेरे लिए काबिल एहतराम है, सारे मेरे दोस्त यार हैं. जैसे आपसे मुझे प्यार है उनसे भी प्यार है, सबकी इज्जत करता हूँ, लेकिन ये मेरी नेचर है. मैं जवानी से ऐसा ही हूँ, मैं महफिलों में नहीं जाता. मैं ये नहीं है ना मैं जाता हूँ ना मैं अपने घर बुलाता हूँ, सीधी सी बात है. तो मैं ज़रा उसमें डिस्टेंस भी रहता हूँ. अच्छी बात है वो गेट टुगेदर करते हैं, ये उनकी उनका अपना एक तरीकाकार है. मेरा मेरी एक सेपरेट लाइफ है तो मैं उसको ज़्यादा एंजॉय करता हूँ. मैं पैकअप के बाद मेरी कोशिश होती है मैं गाड़ी में बैठूँ. ये शख्स जो सामने बैठे हैं प्रकाश ठाकुर, इनका बड़ा काम हमारा साथ रहा है, गवाही भी देते हैं. तो मैं पैकअप हुआ सीधा घर अपने. मेरे मोस्टली शूटिंग्स में मेरे अब्बा जी मेरे साथ आ जाते थे, शुगर लगाते थे. पैकअप के बाद घर, घर से सीधा फिर शूटिंग पे. तो कुछ लोग चले जाते हैं महफिलों में एंजॉय करते हैं, वो उनका तरीका है, लेकिन मेरी प्रायोरिटी मेरी फैमिली है. क्या बात.